गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? कल जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन्स पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था, कॉरियन पढ़ा था, एलन टॉयस पढ़ा था और यॉर्क सैक पढ़ा था। फंक्शन भी अपन ने पढ़े थे, ठीक है। ग्रेस्टुलेशन हमारा हो गया था, इम्प्लांटेशन हमारा हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्लेसेंटा। आज अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। बहुत दिनों से चला रहा है ये। कल अपना डाउट सेशन है, आपको दी गई होगी अभी 2 या 3 दिन पहले, ठीक है। उसको अपन सॉल्व करवाएंगे और आज आपको और डीपी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो उन दोनों के सॉल्यूशन जो है करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। जो आपका सेकंड चैप्टर अपन ने ड्रॉप कर दिया था उसको हम स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को, ठीक है। तो आज ये चैप्टर फिनिश करते हैं, छोटा सा और बच रहा है, छोटा सा पार्ट बच रहा है इसका। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लेसेंटा की, ठीक है। प्लेसेंटा को अपन बोलते हैं अपरा। हिंदी में अगर अपन बात करें तो प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं, ठीक है। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा का निर्माण कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन करती है, उसका नाम है कॉरियन, ठीक है। कॉरियन प्लेसेंटा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? प्लेसेंटा का निर्माण करती है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि प्लेसेंटा है क्या। देखो ये तो है भ्रूण, ये तो क्या है? भ्रूण, ठीक है। और ये है मदर, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन फीटस, यानी भ्रूण और ये मदर है। और यहां पर डेवलप होता है प्लेसेंटा, ठीक है। और भ्रूण से निकलती है एक रज्जु जिसको अपन बोलते हैं नाभि रज्जु, या फिर अपन बोल सकते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या हुआ? भ्रूण का और माता का कनेक्शन, ठीक है, कि कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो, सॉरी फीटस एंड मदर, इट्स कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। तो भ्रूण का और माता का जो कनेक्शन है, ठीक है, वो क्या है? प्लेसेंटा होता है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं यहां पे कि माता व भ्रूण का कनेक्शन के बीच कनेक्शन, ठीक है। द कनेक्शन बिटवीन फीमेल, सॉरी मदर एंड फीटस, ठीक है। द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का निर्माण कब होता है? प्लेसेंटा का निर्माण होता है 3 महीने बाद, ठीक है। 3 महीने बाद होता है, ठीक है। यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा ना, पहला तिमाही, ठीक है, उसी के अंदर प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं अपन कि प्लेसेंटा का काम क्या होता है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो अपन यहां पे लिखेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। यानी प्लेसेंटा के कार्य, अब देखो क्या क्या फंक्शन होते हैं प्लेसेंटा के, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैस होती है, ठीक है, ऑक्सीजन CO2, तो उसका आदान प्रदान करने का काम कौन करेगा? प्लेसेंटा करेगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसों का आदान प्रदान करता है, कहां से कहां की ओर? मदर से फीटस और फीटस से मदर की ओर। CO2 बनेगी तो उधर चल जाएगी, ऑक्सीजन इधर चल जाएगी। तो गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है, कौन? प्लेसेंटा। फिर दूसरा देखें, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, पोषण प्रदान करता है मदर से फीटस के पास में, मदर से भ्रूण के पास में। पोषण किसके द्वारा जाएगा? प्लेसेंटा के द्वारा जाएगा। तो पोषण प्रदान करने का कार्य भी किसका होता है? प्लेसेंटा का होता है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ वेस्ट,
अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करता है। अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करता है, ठीक है, जो कि फीटस के अंदर यानी भ्रूण के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको इकट्ठा करता है और मदर तक पहुंचाता है और मदर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीशन कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि प्लेसेंटा जो है एक एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाता है भ्रूण को। कौन सी एंटीबॉडी होती है, वो IgG एंटीबॉडी, ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgG एंटीबॉडी, ठीक है। तो IgG एंटीबॉडी जो है वो प्रोवाइड करवाता है, मतलब मदर जो है IgG एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाती है भ्रूण को, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। इसलिए प्लेसेंटा का काम क्या होगा, प्रतिरक्षा प्रदान करना, ठीक है। साथ में ये हार्मोन भी रिलीज करता है, ये हार्मोन भी स्रावित करते करता है, ठीक है। अब कौन कौन से हार्मोन, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही भाई कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम LH करता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही बनेगा SCG रिलीज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, लेकिन जैसे ही 3 महीने हो जाएंगे, ठीक है, प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम कौन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम का काम स्टार्ट कर देगा प्लेसेंटा, यानी कॉर्पस ल्यूटियम की जॉब कौन ले लेगा, प्लेसेंटा ले लेगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से हार्मोन स्रावित करेगा, ये हार्मोन स्रावित करेगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टिरोन, कुछ मात्रा में HCG भी रिलीज करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और HPL भी रिलीज करता है। HPL का मतलब हो गया ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन हार्मोन, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन है, सॉरी लैक्टोजन हार्मोन, ये स्तन ग्रंथियों को विकसित करने का काम करता है, ये क्या काम करता है, स्तन ग्रंथियों को विकसित करता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। यहां तक आ गया बच्चों समझ में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मतलब प्लेसेंटा क्या होता है, भ्रूण और मदर के बीच का कनेक्शन होता है प्लेसेंटा, ठीक है, और किससे जुड़ा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, नाभि के रज्जु से जुड़ा होता है, क्लियर। 3 महीने बाद इसका निर्माण होगा, गैसों का आदान प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है यानी IgG एंटीबॉडी प्रोवाइड करवाता है भ्रूण को, ठीक है। हार्मोन भी स्रावित करेगा लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG और HPL, यानी ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है 3 महीने के बाद, क्लियर। तो इसको उतारो फटाफट से, ठीक है, उसके बाद अपन इसके आगे पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, ओके। अब देखो, अब अपन पढ़ने वाले जेस्टेशन पीरियड, नेक्स्ट जो टॉपिक अपना हुआ है वो जेस्टेशन पीरियड, और जेस्टेशन पीरियड को बोलते हैं अपन प्रसव काल। क्या होता है प्रसव काल, कि बच्चे के निषेचन से लेकर बच्चे के जन्म तक के बीच का जो काल होगा वो क्या कहलाता है, प्रसव काल कहलाता है। निषेचन से लेकर बच्चे के जन्म तक के
काल को प्रसव काल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे के जन्म से लेकर निषेचन से लेकर बच्चे के जन्म तक के जो बीच का काल होगा वो क्या कहलाता है? प्रसव काल कहलाता है। और अगर अपन बात करते हैं मानव की, ठीक है, तो मानव के अंदर प्रसव काल कितने महीने का होता है? 9 महीने का होता है, 9 मंथ का होता है। ठीक है, अपन बात करें काओ यानी गाय की, ठीक है, तो गाय के अंदर प्रसव काल होता है 270 दिन का। ठीक है, 270 दिन का होता है, लगभग आप बोल सकते हो 10 से 11 महीने आप और बोल सकते हो कि 10 से 11 महीने का होता है। ठीक है, डॉग की बात करें अपन यानी कुत्ते की, ठीक है, तो इसके अंदर प्रसव काल होता है 60 से 65 दिन का, 60 to 65 days। ठीक है, फिर अपन बात करें बिल्ली की तो 62 से 72 दिन। ठीक है, अपन बात करते हैं एलिफेंट की, तो एलिफेंट के अंदर होता है 601 से 641 दिन, 601 से 641 दिन, लगभग 2 साल ही हो गए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यानी ये मैराथन प्रेगनेंसी होती है एलिफेंट के अंदर, जैसे मैराथन होता है ना कंटिन्यूसली दौड़ते रहते हैं दौड़ते रहते हैं, तो वैसे ही इनकी मैराथन प्रेगनेंसी होती है हाथी के अंदर। ठीक है, क्योंकि कम से कम 2 साल का जेस्टेशन पीरियड होता है उसके अंदर। ठीक है, प्रसव काल 2 साल का लगभग होता है, तो 601 से 641 दिन होता है। रैबिट की बात करें तो 28 से 32 दिन, खरगोश की बात करते हैं तो 28 से 32 दिन का होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड होता है। क्लियर, ओके, तो ये हो गया अपना प्रसव काल। ओके, अब अपन बात करते हैं, प्रसव काल तो चल रहा है और प्रसव काल के दौरान अंग जनन भी होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस भी होता है प्रसव काल के दौरान। ठीक है, तो अपन बात करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस यानी अंग जनन की। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। अंग जनन, ठीक है, तो अपन यहां पे एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहां पे तो लिख देते हैं अपन मंथ, ओके, और यहां पे लिख देते हैं चेंज, क्या क्या चेंजेस होते हैं एम्ब्रियो में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ यानी पहले महीने के अंत तक, पहले महीने के अंत तक, तो पहले महीने के अंत तक जो है हार्ट का निर्माण हो जाता है, हृदय का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो पहले महीने के अंत तक क्या हो जाएगा? हार्ट का निर्माण हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं दूसरे महीने के अंत तक, अगर अपन दूसरे महीने तक अंत तक की बात करें तो यहां पर लिम्स, लिम्स यानी आपके हाथ पैर और उंगलियां बन जाती है, हाथ पैर व उंगलियां बन जाती है। ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं प्रथम तिमाही की, प्रथम तिमाही, प्रथम तिमाही का मतलब हो गया थर्ड मंथ, तीसरे महीने तक का हो चुका है बच्चा। ठीक है, तो प्रथम तिमाही के अंदर क्या होते हैं? मेजर ऑर्गन्स, बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो उनका बनना स्टार्ट हो जाता है, साथ में प्लेसेंटा भी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां शरीर के सभी बड़े अंग निर्मित हो जाते हैं और साथ में किसका निर्माण होता है? प्लेसेंटा का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाएगा? प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं पांचवें महीने के दौरान,
ठीक है। पांचवें महीने के दौरान अगर अपन बात करें तो पांचवें महीने में क्या हो जाता है, फीटस मूव करने लग जाता है, यानी भ्रूण के अंदर गति शुरू हो जाती है और साथ में सिर पर बाल आ जाते हैं। भ्रूण में गति शुरू, बच्चा लात मारने लग जाता बच्चे पांचवें महीने के अंदर, ठीक है, और सिर पर बाल आ जाते हैं। और क्या आ जाते हैं, सिर पर बाल आ जाते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर यानी द्वितीयक तिमाही, ठीक है। पांचों महीने के दौरान तो भ्रूण में गति शुरू हो जाएगी और सिर पर बाल आ जाएंगे। अब ये प्रथम तिमाही थी, फिर दूसरी तिमाही यानी छह महीने हो चुके हैं, ठीक है। दूसरी तिमाही या फिर आप इसको बोल सकते हो सिक्स्थ मंथ, कि छह महीने हो चुके हैं। तब यहां पर क्या होगा कि एक तो ये जो आईलेट्स होती है ना पलकें, ठीक है, इनका निर्माण हो जाता है, आईलिड्स जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, यानी अलग अलग हो जाती है, यहाँ पे पलके अलग हो जाती है, ब्रोनियों का निर्माण हो जाता है और पूरी स्किन पर बाल आ जाते हैं, ठीक है। आईब्रो का निर्माण हो जाएगा यानी ब्रोनियों का निर्माण, ब्रोनियों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, पलके अलग हो जाएगी, ठीक है, और शरीर पर बाल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, शरीर पर जो है बाल आ जाते हैं, ठीक है। और फिर 9 मंथ, 9वें महीने का क्या हो जाता है, बेबी का जन्म हो जाता है, प्रसव हो जाता है। तो भ्रूण प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, भ्रूण क्या हो जाता है, प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो पहले महीने के अंदर तक हृदय का निर्माण होगा, दूसरे महीने के अंदर तक हाथ पैर और उंगलियां बनेगी, प्रथम तिमाही में सभी बड़े अंग निर्मित हो जाएंगे और प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा। प्लेसेंटा किसका फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम का, ठीक है। पांचवें महीने के दौरान भ्रूण में गति शुरू होगी, यानी बच्चा पहली बार लात मारेगा, ठीक है, और सिर पर बाल आ जाएंगे। बात करें अपन दूसरी तिमाही की, तो ब्रोनियों का निर्माण हो जाएगा, पलके अलग हो जाती है, शरीर पर बाल आने लग जाते हैं और 9 मंथ के अंत तक जो है प्रसव के लिए तैयार हो जाता है भ्रूण, ठीक है, और बच्चा हो जाता है। अब अपन बात करते हैं प्रसव, प्रसव कैसे होता है वो अपन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको उतारो आप, फिर अपन बात करते हैं प्रसव की, प्रसव कैसे होगा। तो करें स्टार्ट, तो हम पढ़ने वाले हैं प्रसव की क्रिया, कि प्रसव कैसे होता है वो देखते हैं, क्या होता है देखिए प्रसव में। देखो बच्चा, जिसको बोलते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं पार्ट्यूरेशन प्रसव, और प्रसव क्या है, बच्चे के जन्म की क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है, यानी एक्ट एज द चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म की क्रिया होती है प्रसव, और ये एक न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, यह एक न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है। न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन का मतलब हो गया अंतःस्रावी सिस्टम। तो नर्व्स और अंतःस्रावी सिस्टम दोनों मिलकर प्रसव की क्रिया में मदद करते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। देखो होता क्या है बेसिकली, कि भ्रूण जो है वृद्धि कर रहा है, भ्रूण क्या करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। तो जैसे ही वृद्धि करेगा तो फीमेल का जो गर्भाशय है
उसमें वो स्ट्रेस फील करने लग जाएगा। भाई जैसे कितना बड़ा हो सकता है वॉर्म, जो है कितना बड़ा हो सकता है, धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाता है तो जो भ्रूण है अंदर वो सफोकेटेड फील करने लगता है अंदर की तरफ, ठीक है, स्ट्रेस फील करने लगता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे भ्रूण जैसे ही वृद्धि करेगा तो भ्रूण के अंदर स्ट्रेस फीलिंग आएगी, ठीक है, वो सफोकेटेड फील करेगा, सफोकेटेड फील। जैसे सफोकेटेड का मतलब हो गया कि नहीं हमको बाहर निकलना है यहाँ से, ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग। जैसे अभी आपके मन में आ रहा होगा ना कि कोरोना के चक्कर में हम घर बैठे हुए हैं, नहीं हमको तो बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, हम घर में बैठ के थक चुके हैं, पक चुके हैं, बोर हो चुके हैं, हमको तो बाहर घूमना ही घूमना है, तो एक इरिटेशन सी आ जाती है, सफोकेटेड फीलिंग आ रही है आपके अंदर अभी, ठीक है। तो वैसी ही फीलिंग किसके अंदर आती है, भ्रूण के अंदर, वो अंदर सफोकेटेड फील करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है, और स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है, कॉर्टिसोल, जिसका नाम क्या है, कॉर्टिसोल, ठीक है। तो कॉर्टिसोल कौन सा हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है। तो जब भ्रूण वृद्धि करता है तो भ्रूण किसका निर्माण कर देगा, कॉर्टिसोल का निर्माण करेगा, स्ट्रेस हार्मोन का निर्माण करेगा, ठीक है। एक तो हो गया ये वाला सिस्टम, एक होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या हो जाता है, नौवे मंथ के अंत तक डिजॉल्व हो जाता है, क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, डिजॉल्व का मतलब क्या है मेरे बच्चों, घुल जाता है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हो जाता है डाउन और एस्ट्रोजन का लेवल हो जाता है ज्यादा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल तो हो जाएगा कम, ठीक है, और एस्ट्रोजन का लेवल हो जाएगा क्या, ज्यादा। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा और एस्ट्रोजन का लेवल हो जाएगा ज्यादा, जिसके कारण भाई प्रोजेस्टेरोन का काम क्या था कि एंडोमेट्रियम को बनाए रखना, अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया तो भ्रूण जो है गर्भाशय की भित्ति से अलग हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा, भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से अलग हो जाएगा, ठीक है, भ्रूण क्या होगा, गर्भाशय की भित्ति से अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर भ्रूण भी सिग्नल दे रहा है कॉर्टिसोल रिलीज करके, ठीक है, प्लेसेंटा भी सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो प्रसव के लिए सिग्नल कौन कौन देता है, प्रसव के लिए सिग्नल देता है भ्रूण और प्लेसेंटा दोनों, ठीक है। तो प्रसव के लिए भ्रूण व प्लेसेंटा दोनों उद्दीपन पैदा करते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, उद्दीपन पैदा करेंगे। यहां तक समझ में आ गया कि भ्रूण जो है वृद्धि करेगा, सफोकेटेड फील करेगा अंदर की तरफ, स्ट्रेस करेगा और कॉर्टिसोल रिलीज कर देगा, कॉर्टिसोल एक सिग्नल की तरह काम करेगा यहां पर, ठीक है। प्लेसेंटा डिजोल्व हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हो जाएगा कम, एस्ट्रोजन का लेवल हो जाएगा ज्यादा, जिसकी वजह से भ्रूण गर्भाशय के भित्ति से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सिग्नल दे रहे हैं, किसको सिग्नल देंगे, ये देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देंगे, ठीक है। अब इसको अपन देखते हैं एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है, एक रेखा चित्र के द्वारा अपन इसको पढ़ते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे क्या होता है ना। तो देखो भ्रूण और प्लेसेंटा क्या देंगे, सिग्नल देंगे, है ना। तो भ्रूण व अपरा दोनों उद्दीपन पैदा करते हैं, दोनों क्या करेंगे, उद्दीपन पैदा करेंगे, ठीक है। यानी क्या करते हैं, वो कॉर्टिसोल रिलीज करेगा भ्रूण तो, और ये अपरा जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल कर देगा डाउन और एस्ट्रोजन का लेवल कर देगा हाई, जिससे जो है फीटस अलग हो जाएगा कहाँ से, एंडोमेट्रियम वॉल से, यूट्रस के गर्भाशय से, ठीक है। तो अब उद्दीपन पैदा करे, उद्दीपन पैदा करने की वजह से क्या होगा, जो मायोमेट्रियम है गर्भाशय की मध्य स्तर, तो गर्भाशय के मध्य स्तर में होगा संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, गर्भाशय की मध्य भित्ति में संकुचन होगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, गर्भाशय की मध्य भित्ति, मध्य भित्ति को क्या बोलते हैं,
मायोमिट्रियम, और मैंने बताया था मायो का मतलब होता है मसल्स, तो यहां पर क्या होता है गर्भाशय के मध्यभित्ति में तीव्र संकुचन होते हैं, क्या होते हैं तीव्र संकुचन होते हैं, जिसकी वजह से ये किसको सिग्नल देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो जिसकी वजह से क्या होगा पीयूष ग्रंथि की पक्षपाली, पीयूष ग्रंथि की पक्षपाली एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जिसका नाम क्या है ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को अपन प्रसव हार्मोन भी कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं प्रसव पीड़ा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा जिसकी वजह से क्या होगी प्रसव पीड़ा होगी, ठीक है। साथ में इधर की तरफ, साथ में यहां पर ओवेरी किसका निर्माण, सॉरी ओवेरी किसका रिलीज करेगी रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करेगी, ठीक है, क्या करती है रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या होगा अंडाशय व प्लेसेंटा द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण होगा, और रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या कर देता है अपन बोल सकते हैं रिलैक्स कर देता है, शिथिल कर देता है, तो ये क्या करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है, ठीक है। यहां पे प्रसव पीड़ा हो रही है रिलैक्स हो गया, और यहां पर बेबी कम्स आउट, बेबी जो है वो बाहर आ जाता है, समझ में आ गया, बेबी कम्स आउट, फीटस कम्स आउट, समझ में आ गया। तो इस तरीके से होता है भ्रूण और अपरा दोनों उद्दीपन पैदा करते हैं, गर्भाशय के भित्ति में होता है तीव्र संकुचन मध्य भित्ति के अंदर, ठीक है। पीयूष ग्रंथि की पक्षपाली ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है प्रसव हार्मोन होता है, ठीक है। लेबर पेन होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन पैदा करता है गर्भाशय के भित्ति में, इधर से अंडाशय और प्लेसेंटा रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से प्यूबिक सिम्फाइसिस रिलैक्स हो जाता है, ताकि इजिली बेबी जो है वो बाहर आ सके, और बेबी जो है बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर अपन इसका ऑक्सीटोसिन के बारे में अगर अपन देखें तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन को अपन प्रसव हार्मोन भी कहते हैं, डिलीवरी हार्मोन, ऑक्सीटोसिन को क्या बोलते हैं अपन प्रसव हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। साथ में ऑक्सीटोसिन को अपन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन यानी दुग्ध निष्कासित हार्मोन भी कहते हैं, यानी फीमेल के अंदर जो दुग्ध का निष्कासन करेगा वो किस हार्मोन की वजह से होगा ऑक्सीटोसिन की वजह से होगा, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन को अपन प्रसव हार्मोन भी कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन को अपन दुग्ध निष्कासित हार्मोन भी कहते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन, इट्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके प्रसव की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेबी कम्स आउट, बच्चे का जन्म हो चुका है, इट्स दैट क्लियर बच्चों, यहां तक आ गया है समझ में, उतारो फटाफट से। ठीक है बिटा दूं, देखो नीट में यहां से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, सब कुछ करवा दिया है मैंने, है ना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके हैं आपके सबके, क्लियर। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से उठकर आते हैं नीट के अंदर, ठीक है। तो आप एक एक चीज को वापस से पढ़ो, ओके, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, ओके। इसलिए इतना टाइम लगा है इस चैप्टर में, एक और बड़ा चैप्टर अपन लेंगे कुछ परसों, उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इस यूनिट का सबसे दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर है कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे। कल अपन डीपीपी सॉल्व करेंगे, डीपीपी को जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सबको सॉल्व करेंगे, आज एक और डीपीपी आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो उसको भी आप सॉल्व करना घर पर, फिर अपन पढ़ते हैं ना, मिटा देते हैं इसको।
ओके अब अपन बात कर रहे हैं, एक टॉपिक आपका बच गया था लैक्टेशन। लैक्टेशन, लैक्टेशन को अपन क्या बोलेंगे? दुग्ध स्त्रावण। उसके दुग्ध स्त्रावण कहाँ से होता है? स्तन ग्रंथियों से होता है, ठीक है, स्तन से होता है। तो अपन स्तन यानी मैमरी ग्लैंड के बारे में अपन पढ़ते हैं। वो अपन ने टॉपिक छोड़ दिया था बीच में, मैंने सोचा था कि लैक्टेशन के साथ ही आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मैमरी ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथियां, ठीक है। तो स्तन ग्रंथियों की अगर अपन बात करें तो स्तन ग्रंथियां कितनी होती है? सबसे पहली चीज तो ये स्तनियों का लक्षण है, स्तन ग्रंथियों का होना स्तनियों का लक्षण है, मैमल्स का लक्षण है। तो ये स्तनियों का लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल, ठीक है। बात करें कितनी जोड़ी होती है, वन पेयर होती है, ठीक है। किसमें एक्टिवेट होती है? फंक्शनल किसमें होती है? फीमेल के अंदर, ठीक है। मादा में सक्रिय होती है, ठीक है, मेल के अंदर सक्रिय नहीं होती है। और अगर कभी कभी मेल में सक्रिय हो जाए, स्तन ग्रंथियां अगर मेल में सक्रिय हो जाए तो उसको बोलते हैं अपन गायनेकोमेस्टिया। क्या बोलेंगे? गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। अगर मेल में स्तन ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है तो उस डिजीज को अपन बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। तो ये क्या होती है? मादा के अंदर सक्रिय होती है, ठीक है। किसका रूपांतरण होती है? ये स्वेद ग्रंथियों का यानी पसीने वाली ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। यह स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। किसकी ग्रंथियों का रूपांतरण होगी? स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण होगी, ठीक है। अब देखो एक डायग्राम अपन बना लेते हैं, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं मिल्क इजेक्ट कैसे होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों डायग्राम अपन यहां पे बना रहे हैं, तो यहां पर कुछ लोब्स होते हैं, कुछ इस तरीके के लोब्स बोलते हैं, इन लोब्स को बोलते हैं मैमरी लोब्स, ठीक है। इन लोब्स को अपन बोलते हैं मैमरी लोब्स, और इनमें होती कोपिकाएं, स्तन कोपिकाएं, ठीक है। और ये स्तन कोपिकाएं आगे जाके एक ऐसे पार्ट में खुल जाती है, एक सिंगल पार्ट में ना, ठीक है। ये स्तन कोपिकाएं क्या होती है? आगे जाके एक सिंगल पार्ट के अंदर खुलती है, जिसको अपन बोलते हैं मैमरी ट्यूबल्स, ठीक है। और कॉमन हो जाती है आगे जाके इस तरीके से, कॉमन हो गई, देखो ओके फिर आगे जाने के बाद में फूल जाती है, ओके और फिर वापस से क्या हो जाती है, ये रिलीज होती है इसमें, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या होता है इसके अंदर, जो इस ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्तन की संरचना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, स्तन के अंदर कम से कम 15 से 20 मेमोरी लॉब्स होते हैं। ये जो आपको कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं इनको अपन बोलते हैं मेमोरी लॉब्स। कितने होते हैं? 15 से 20 मेमोरी लॉब होते हैं, ठीक है। यानी स्तन कोश आप इसको बोल सकते हैं, और इन स्तन कोशों के अंदर होती है एल्वुलाई, मेमोरी एल्वुलाई। तो ये आपको कोपिकाएं दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं मेमोरी एल्वुलाई। मेमोरी एल्वुलाई को अपन बोलते हैं स्तन कोपिका। क्या बोलते हैं? स्तन कोपिका। ये आगे जाके खुलती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ये वाली जो है वो होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स यानी स्तन नलिका। क्या बोलेंगे? स्तन नलिका, ठीक है। उसके बाद ये खुलेगी इस कॉमन पार्ट के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं मेमोरी डक्ट,
मेमोरी डक्ट, ठीक है। फिर ये मोटे वाले भाग में खुलेगी, इसको बोलेंगे मेमोरी एम्पुला। क्या बोलेंगे? मेमोरी एम्पुला, यानी स्तन तुम्बिका। क्या बोलेंगे? स्तन तुम्बिका। और फिर ये आगे जाके खुलती है लैक्टिफेरस डक्ट में। किस में खुलेगी? लैक्टिफेरस डक्ट में। और ये होती है निप्पल, चूचक, ठीक है। तो ये जो मेमोरी एल्वुलाई है, मेमोरी एल्वुलाई क्या करती है? दुग्ध का निर्माण भी करती है, दुग्ध का निर्माण, वे दुग्ध को एकत्रित भी करती है, ठीक है। तो मेमोरी एल्वुलाई का नाम काम क्या हो गया? दुग्ध का निर्माण वे दुग्ध को एकत्रित करना। अब अपन देखते हैं रूट, देखते हैं इसका, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है बेटा यहां पर, ये रिब्स होती है, रिब्स यानी पसलियां, ठीक है। और इनके बीच में मसल्स होती है, और ये कुछ टिश्यूज होते हैं जिसको अपन बोलते हैं फैटी टिश्यू, ठीक है। अब यहां पर अपन क्या कर देते हैं, मिल्क का रूट देखते हैं कि कैसे होता है ना। तो अगर अपन एक स्तन की बात करें, एक स्तन की बात करें तो 15 से 20 क्या होती है उसमें? मेमोरी लोब्स होती है। यहां पर क्या होता है? 15 से 20 मेमोरी लोब, यानी 15 से 20 स्तन कोश होते हैं। ध्यान रखना, हिंदी में भी बोल रहा हूं, 15 से 20 स्तन कोश होते हैं, ठीक है। फिर इन स्तन कोशों में बहुत सारी क्या होती है? मेमोरी एल्वुलाय होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है? बहुत सारी एल्वुलाय। एल्वुलाय को अपन क्या बोलेंगे? स्तन कुपिकाएं, बहुत सारी स्तन कुपिकाएं होती है, ठीक है। तो मेमोरी एल्वुलाय को बोलते हैं स्तन कुपिका। और यह स्तन कुपिका क्या करती है? दुग्ध का निर्माण करती है। तो दुग्ध का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी हो गई? स्तन कुपिका, मेमोरी एल्वुलाय। मेमोरी एल्वुलाय से जो है दुग्ध कहां जाएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा। किस में जाएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा। मेमोरी ट्यूब्यूल से दुग्ध कहां चला जाएगा? मेमोरी डक्ट में जाएगा, ठीक है। यानी स्तन नलिका, डक्ट का मतलब क्या हो गया? स्तन नलिका। फिर यहां से दुग्ध कहां जाएगा? मेमोरी एम्पुला में। मेमोरी एम्पुला का मतलब स्तन तुम्बिका। और फिर यहां से जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट में, यानी दुग्ध वाहिनी, ठीक है। और यहां से निप्पल के थ्रू यानी चूचक के थ्रू शक कर लिया जाएगा बच्चे के द्वारा, ठीक है। ये ध्यान रखो आप, ठीक है। तो यहां पे मेमोरी लोब, स्तन कोश, स्तन कोश से स्तन कुपिकाएं, स्तन कुपिकाएं से मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी डक्ट यानी स्तन नलिका से चला जाएगा स्तन कुपिका से दुग्ध वाहिनी, और दुग्ध वाहिनी से निप्पल के द्वारा दूध जो है बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया यहां तक आपको? अब अपन देखते हैं कि मिल्क के अंदर होता क्या है, इस दुग्ध में होता क्या क्या है, ठीक है। तो अगर अपन देखें कि इस मिल्क में क्या क्या होता है, तो इस मिल्क के अंदर होता है फैट, सबसे पहले तो क्या होता है? वसा होती है, ठीक है। कुछ मात्रा के अंदर क्या होता है? वाटर होता है। इसके अंदर लैक्टोज शुगर उपस्थित होती है। कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शुगर होती है। इनमें केसीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन प्रोटीन होता है, ठीक है। मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर विटामिन सी जो होता है वो बहुत ही पुअर होता है, नहीं होता है ऐसे मान लो। और साथ में इनके अंदर होता है IgA एंटीबॉडी। क्या होता है? IgA एंटीबॉडी। तो मिल्क के अंदर क्या क्या होगा? फैट होगा, वाटर, लैक्टोज शुगर, कैसीन प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और IgA एंटीबॉडी उपस्थित होती है। यहां तक समझ में आ गया आपको? एक टर्मिनोलॉजी आपके दे रखी है कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम का मतलब क्या हो गया? कि प्रसव के बाद
जब पहली बार दुग्ध का स्त्रावण होता है तो उस दुग्ध को अपन बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, ठीक है। तो प्रथम दुग्ध स्त्राव, ठीक है। तो कुछ दिन तक जो दूध निकलता है, ठीक है, माता के शरीर से, उसको अपन बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो येल्लो कलर का होता है। कौन से कलर का होगा? येल्लो कलर का। जो पहली बार दूध निकलेगा वो होगा येल्लो कलर का, और ये IgA एंटीबॉडी रिच होगा, इसके अंदर उपस्थित होगी IgA एंटीबॉडी और लैक्टोज शुगर, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? ओके, अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं हार्मोनल रेगुलेशन, कि कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं दुग्ध के स्त्रावण के लिए, ठीक है। हार्मोनल रेगुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा है? हार्मोन कौन सा है जो दुग्ध का निर्माण करता है, ठीक है, यानी मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन कौन सा है? दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन, ठीक है। दुग्ध निष्कासित करने वाला हार्मोन मैंने आपको बताया था कौन सा? ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन कहां से रिलीज होता है? प्रोलैक्टिन रिलीज होता है अग्रपाली, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से, और रिलीज होता है पक्षपाली से। ये होता है पक्षपाली से और ये होता है अग्रपाली से। तो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से रिलीज होगा प्रोलैक्टिन, और पीयूष ग्रंथि की पक्षपाली से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये हार्मोनल रेगुलेशन है। मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने के लिए, स्तन ग्रंथियों को डेवलप करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और प्लेसेंटा से एक और रिलीज होता है HPL, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो भी मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, ओके। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फिर भी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कल हम DPP सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 2 ऑफ NCERT, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।